गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रियंका एम एस जयनगर पतातू की टीचर हूँ। बच्चों, आप सबने तो सजीवों के बारे में पढ़े हो। सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे सांस लेना, शोषण करते हैं, उसके बाद परिवहन, जिससे हमारा कि खाना जो खाते हैं, खाना मारा जो खाते हैं उससे जो पचता है, फिर वो हमारे पूरे शरीर में वो तो घूमता है पचने के बाद। उसके बाद शोषण, उत्सर्जन का उत्सर्जन भी होता है हमारे शरीर में, जितने लोग खाते हैं गंदगी बाहर निकलता है शरीर से। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही जरूरी क्रिया है जिससे कि लोग, जो भी जीव है वो अपने ही जैसे ही एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, जिसे हम जनन कहते हैं, जिसको आज हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे, पौधों में जनन कैसे होता है। जैसे कि आदमी है तो सेम टू सेम आदमी जैसा ही बच्चा पैदा होता है, गाय है तो सेम गाय का जैसा ही बच्चा पैदा होता है, तो वो कैसे होता है। या आम का पौधा है तो आम का पौधा जैसा ही आम दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से पौधों में भी जनन होता है। तो जनन क्या है, तो जनन वो जैव प्रक्रिया है। जैव प्रक्रिया करने का मतलब कि वो सजीवों में होता है, जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं। जनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। मतलब जैसा आम का पौधा है, जितना लंबा है, जितना मोटा है, जिस तरह का भी उसका आकार है, सेम ऐसा ही दूसरा बीज तैयार होता है। उसी तरह से अगर हम जैसे कि टमाटर का पौधा हम लेते हैं, तो टमाटर का पौधा जो मतलब कहने का मतलब है, जो हमारा जैसे कि होता है ना कि टमाटर का पौधा लगाना है, उसका लोग बीज रखते हैं घर में, तो वो बीज सेम टू सेम बनकर तैयार होते हैं। उसके नए नए वैरायटी आ गए हैं, वैरायटी की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पौधा हम उसका दाना रखते हैं, उस दाने को अगले साल भी रोक देंगे, तो सेम टू सेम हमारा पौधा का उसको सही वातावरण जैसा पिछले पौधा को मिला वैसा ही कर मिलेगा, तो सेम टू सेम नया पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। तो पौधे भी जनन करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि पौधे जनन कैसे करते हैं उसके बारे में। जैसे मेरे पास एक पौधे का चित्र बना हुआ है। तो पौधे में दो भाग होता है, एक होता है कायिक अंग, दूसरा होता है प्रजनन अंग, प्रजनक। कायिक अंग किसको कहते हैं पौधे में, जड़, तना और पत्ती, ये तीनों पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं, और फूल पौधे के प्रजनक अंग कहलाते हैं। तो जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कितने प्रकार से कैसे होता है, अलैंगिक जनन जड़ के द्वारा होता है। जो जनन इस जड़, तना और पत्ती के द्वारा हो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्रजनन इस जड़, तना और पत्ती के द्वारा हो वैसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं, और वैसा जनन जो सिर्फ फूल के माध्यम से हो, फूल कहने का मतलब है बीज के माध्यम से हो, तो वो लैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन कैसे कैसे होता है, जड़ से होता है, भूमिगत तना से होता है, जैसे कि डालिया का पौधा का जड़ जमीन के अंदर होता है, उसी को जड़ को हम लगाते हैं तो एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद तीसरा है भूपृष्ठीय जनन और पत्ती, इसके माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। तो हम अगले क्लास में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।